मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत हूँ मैं आपके अपने चैनल टेक एंड मॉडिफिकेशन पे। और मेरा नाम है प्रिंस। और आज की इस प्री ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आप सबको डिटेल बताने वाला हूँ ब्लैक शार्क 2 फ़ोन के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, जो कि पहले एक फ़ोन लॉन्च हो चुका है इसका ब्लैक शार्क 1 के नाम से, जो कि शाओमी कंपनी ने जो है निकाला था। लेकिन अब जो है इन्होंने अपनी कंपनी बिल्डअप कर ली है और ये अपनी ही कंपनी के नाम से जो फ़ोन निकालने वाले हैं। और दोस्तों, इस फ़ोन की जो गेमिंग स्पेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गदर हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मस्त गेमिंग स्पेक्स के साथ जो ये फ़ोन आता है। इस फ़ोन की जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है आपकी 40,000 रुपये। और उस 40,000 रुपये को ये स्पेसिफाई करता है कि नहीं, तो इस वीडियो में आप वो पूरी चीज़ जान जाओगे। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, मैं ऐसी अनबॉक्सिंग और टेक रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो ऐसी एक भी वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए क्या करना है, बड़े ही प्यार से वो नीचे आ रहा होगा एक रेड कलर का बटन, उसको जाकर क्लिक कर देना है। और साइड मारी होगी एक बेल आइकन, तो उसको भी दबा देना, जिससे कि ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ की जो वीडियो है आप ना भूलें। और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, यार भाई हूँ आपका, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कर देना शेयर और लाइक अगर अच्छी लगे तो। तो चलिए फिर वीडियो को कर देते हैं। बात करने वाला हूँ उस फ़ोन की जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है उसका जो प्रोसेसर है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, प्रोसेसर जो उसमें डाला गया है बिल्कुल न्यू है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 डाला गया है, जो कि बिल्कुल ही मस्त गेमिंग कराता है इस फ़ोन की जो है रैम के साथ। और दोस्तों, जो आपको 40,000 रुपये की प्राइस रेंज में जो रैम मिलेगी वो मिलेगी आपको 8 GB रैम और टोटल 128 GB की जो स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, जो इसमें रैम देखने के लिए मिलेगी वो आपको USD रैम्स देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करती हैं और इस फ़ोन को जो और भी ज़्यादा बीस्ट बनाती हैं गेमिंग के मामले में। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रोसेसर तो आपको हैवी मिल गया, लेकिन जो प्रोसेसर है गेमिंग करते टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो उसी जो हीट को जो रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, कॉपर की जो प्लेट्स हैं उनमें जो है एक कूलेंट टाइप डाल के इस फ़ोन में लगाया गया, जिससे कि क्या होगा, जो आपको प्रोसेसर और बैटरी है वो दोनों ही जो है चिल्ड, मतलब थोड़े से ठंडे होते जाएंगे और 4 से 5 डिग्री जो आपका जो टेम्परेचर है उसको जो है नीचे गिरा देंगे। ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी गई है। और दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो इसमें एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, मतलब लिक्विड कूलिंग आपको देखने के लिए इस फ़ोन में मिल जाती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों, लिक्विड कूलिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको अब इसकी जो है डिस्प्ले के बारे में और बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है ना, वो डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है HDR डिस्प्ले। बिल्कुल सही सुना आपने, HDR डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 6.14 इंच की जो पूरी डिस्प्ले है विदाउट एनी नॉच। बिल्कुल सही सुना, एक भी इसमें नॉच नहीं है, बिल्कुल फुल स्क्रीन है। और दोस्तों, इस जो स्क्रीन है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग करवा देता है ये फ़ोन। मतलब कि जो आपको कलर एंड कॉन्ट्रास्ट दिखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है दिखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करूं मैं इसके जो है RGB के बारे में। दोस्तों आपने सही सुना, RGB जितने भी गेमिंग फ़ोन्स होने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें एक तरीके का फीचर्स होता है RGB का। दोस्तों इस फ़ोन में भी जो आपको एक RGB का फीचर्स मिलता है, जो कि इसके ऊपर और नीचे साइड पैनल्स में लगाया गया है। और आप इस RGB को जो अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और मतलब 16.8 बिलियन कलर्स आपको इस जो है RGB लाइट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करना है यार, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल कर लेना है नीचे आ रहा होगा रेड कलर का बटन, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब। तो दोस्तों एक और फ़ोन है रेड मैजिक 3, तो दोस्तों आप उसकी भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसकी और इस फ़ोन की दोनों की जो कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। या और जो रेड मैजिक 3 है उसकी वीडियो आने वाली है कल या परसों में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं हम कहाँ पे थे, हाँ बिल्कुल RGB के पास। तो दोस्तों RGB लाइट जो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दी गई है, और आप अपने गेम के हिसाब से जो है RGB लाइट को जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, RGB की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके जो X टाइप एंटीनास जो इसके बैक में दिए गए हैं। बिल्कुल ही जो है न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करी है इस फ़ोन की कंपनी ने, जो आपको जो बिल्कुल मतलब X टाइप एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि क्या होने वाला है, आपको 4 एंटीनास पूरे जो है कोने पे फ़ोन के देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो कनेक्टिविटी होगी ना उन एंटीनास की, काफ़ी ज़्यादा बेहतर जो होगी, नेट इंटरनेट कनेक्शन आपको जो बिल्कुल ही गदर चलने वाला है उस फ़ोन के साथ, क्योंकि आपको X टाइप का जो है नेट एंटीनास देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर अगर दोस्तों बात करूँ पबजी का, तो दोस्तों पबजी बिल्कुल ही हाई सेटिंग्स पे जो ये फ़ोन है वो आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके साथ एक और खास चीज़ आती है, पता है वो क्या है, इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है एक कूलिंग फैन का केस। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जब आप इस फ़ोन को परचेज़ करोगे तो उसी टाइम जो है बॉक्स में आपको एक फ़ैन की जैसा एक
केस मिलेगा इसका, मतलब कि उसमें जो है एक फ़ैन लगा होगा और जो वो फ़ैन है आपके मतलब बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा NFC के द्वारा, और वो फ़ोन जो है आपकी जो फ़ैन है बिल्कुल ही फ़ोन को जो बिल्कुल ठंडा कर देगा। और एक तो लिक्विड कूलिंग दे रखी है, ऊपर से केस वाला जो फ़ैन है वो भी आपको इस फ़ोन के साथ देखने के लिए मिल जाता, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करूँ मैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो मेरे भाइयों कैमरा तो मैं बता दे रहा हूँ इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर बैक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 48+12 का जो है देखने के लिए मिल जाता है डुअल कैमरास। और जो है इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है सारे फ़ोन्स में वही है। और दोस्तों एक तो ये 1+7 Pro का कलर भी बताया जा रहा है, अगर बताया जा रहा है आपको ऐसा लगता है तो क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कर लो चैनल सब्सक्राइब मेरा। जो केस मिलता है जिसमें कि फ़ैन फिटेड है, तो उससे तो ये और भी ज़्यादा फ़ोन का जो टेम्परेचर है और भी ज़्यादा गिरा देता है विद जो है कूलिंग के साथ में। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के और भी ज़्यादा फीचर्स की, तो दोस्तों आपको इसमें गेमिंग के लिए ना एक अलग से जो है जगह दी गई है इस फ़ोन में, कि आप मतलब उसमें गेमिंग ही कर सकते हैं। आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो गेम्स डाउनलोड करेंगे तो उन गेम्स को जो उसमें ऐड करना है और टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने गेम्स को RGB लाइट्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में मस्त लगता है, ठीक है। और दोस्तों उनमें जो है रेड लाइट भी जलती है, जैसे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तो आप उसे भी क्लिक करके प्यार से चैनल को करना है सब्सक्राइब, और क्या करना है बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो उन सबको देखते रहना। और आई बटन पे भी जो मैं अपनी वीडियोस का लिंक दे दूंगा तो वो भी देख लेना यार क्या जाता है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोन है, आपको देखने के लिए मिलेगा 14,000 rupees की जो है प्राइस रेंज के साथ। काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे अच्छे फीचर्स है दोस्तों, जो कि मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिए हैं। और हाँ, कैमरे की बात कर रहा था, तो 48+12 का जो है बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ फ्रंट का कैमरा भी काफ़ी ही ज़्यादा खास दिया गया है, जो कि फ्रंट का कैमरा है वो दिया गया है आपको 20 MP का। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप ये जो है कैमरा वो सेल्फी कैमरा है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक बेहतरीन सेल्फी ले सकते हो काफ़ी ज़्यादा 20 MP का जो इसमें कैमरा दिया गया है। और दोस्तों हमने काफ़ी ज़्यादा और भी गेमिंग फ़ोन्स में देखा है कि उसमें क्या होता है, एक बेसिक प्रोसेसर अच्छा दे दिया, स्क्रीन अच्छी दे दी, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी दे दिए, लेकिन क्या होता है कि जो उसमें कैमरा होता है उसी की ही कमी होती है। लेकिन इस फ़ोन में जो है कैमरे की भी कमी नहीं है, काफ़ी ही बेहतरीन फ़ोन निकाला है ये ब्लैक शार्क 2। और दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन चैनल है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। तो दोस्तों क्या करना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग यारों, और मेरे भाइयों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और यार, रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और किस लिए, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।